हे नमस्कार फ्रेंड्स, आपका इस वीडियो में स्वागत है। और इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप स्टेबल रोम में बीटा रोम को कैसे फ्लैश करें बिना कोई परेशानी का। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, रोम को फ्लैश करने से पहले आपको चार चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, मेक श्योर आपका जो बीटा रोम हो वो लेटेस्ट वर्जन का होना चाहिए। और दूसरा, आपका बैटरी परसेंटेज है वो मिनिमम 30% का ऊपर रहे। और तीसरा, आप अपने डेटा को बैकअप कर लीजिए, क्योंकि रोम फ्लैश होने के बाद आपका पूरा डेटा इरेज हो जाएगा। तो मेक श्योर आप अपना डेटा एक्सटर्नल स्टोरेज में बैकअप कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। और चौथा, मेक श्योर आपका डेटा कनेक्शन इनेबल रहे। उसके बाद आपको अपडेटर में जाना है। अपडेटर में जाने के बाद आपको तीन डॉट पे क्लिक करना है और वहां से आपको सिलेक्ट करना है चूज अपडेट पैकेज। उसके बाद आप अपना जहां फाइल डाउनलोड किए हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको दिख रहा होगा गेटिंग इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब यही कि आपका फाइल वेरीफिकेशन हो रहा है। तो मेक श्योर आपका डेटा कनेक्शन इनेबल रहे, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। वेरीफिकेशन होने के बाद डिक्रिप्टिंग लेगा, तो इसमें आपको कम से कम 2 से 3 मिनट का समय लग जाएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं, डिक्रिप्टिंग ऑलमोस्ट हो गया है। इसके बाद आपको ऑप्शन आएगा, तो इसमें आपको इरेज एंड अपडेट क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका फ़ोन अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और फ़ोन को अपडेट होने में कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। तो वेट कर लीजिए। तो जैसे आप देख सकते हैं, मेरा फोन अपडेट हो गया है। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।